हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे आप सब लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि हम कुछ नए सेशन लेके आएं जिससे हम प्रैक्टिस और प्रॉब्लम्स के बारे में जानें। तो अब जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हम कुछ नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व कीजिए। और फिर सॉल्व करने के बाद आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, और हम आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये पार्ट 1 है इसमें। इसमें हम 1 मार्क क्वेश्चंस जो आते हैं, आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने की, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे तो चांसेस है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ लाइट रे आई एम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए बी एज शोन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इमरजेंट रे। तो आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें इंसिडेंट रे दिखा रखी है, ये आई एम। तो आपको ये बताना है कि जो इमरजेंट रे है वो कौन सी होगी गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ 4 मीडिया ए बी सी एंड डी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ए वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, बी का 1.50, सी का 1.52, डी का 2.40। तो क्वेश्चन है, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम सेकेंड मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको ये बताना है किस मीडियम में लाइट की स्पीड में चेंज मिनिमम होगा, किस में मैक्सिमम होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड्रॉ द गिवन डायग्राम एंड शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। तो आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें इंसिडेंट रे दिखा रखी है, आपको डायग्राम दोबारा बना के रिफ्रैक्टेड रे शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसे ही टाइप का है, रीड्रॉ द गिवन डायग्राम एंड शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। इसमें आपको एक दूसरी रे दिखा रखी है अलग तरह की, इसका क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद, ये हमको डायग्राम में शो करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ दी फॉलोइंग डायग्राम इन योर पास इन योर आंसर बुक एंड शो दी फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रेज। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन करनी है या रे कैसे जाएगी वो सब बताना है। तो एक आपको मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर, और आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसकी इमेज फॉर्म करनी है रे डायग्राम का यूज करके। अगला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज इन दी हेडलाइट्स ऑफ अ मोटर कार एंड बाय। फिर अगला क्वेश्चन है, रीड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसको अपनी कॉपी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम आपको उनके राइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रीड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो इसमें भी आपको रे डायग्राम से बताना है कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, रीड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इससे आपको बताना है रे का क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद। अगला क्वेश्चन है, रीड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। फिर से रे डायग्राम का क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए इनकी वेराइटी बहुत ज़्यादा है और अलग अलग तरह के आ सकते हैं। तो मेन जो रे डायग्राम के अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको याद रखना है लेंस के लिए, मिरर के लिए, तो निश्चित ही आप ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर।
अगला क्वेश्चन है फिर से वैसा ही, रीड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रे का क्या होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। तो अगर मैग्निफिकेशन +3 है तो इमेज कैसी बनेगी। अगला क्वेश्चन है बिटवीन विच टू पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्केव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -3। अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 1.63। वट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। फिर अगला क्वेश्चन है बिटवीन विच टू पॉइंट्स रिलेटेड टू अ कॉन्केव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सो दैट इट कम्स आउट फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्लैब विदाउट बीइंग डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गर्ल वॉज प्लेइंग विद अ थिन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम हर लेजर टॉर्च बाय डायरेक्टिंग इट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस हेल्ड वर्टिकली। She was surprised to see that in a particular direction, the beam of light continues to move along the same direction after passing through the lens. State the reason for this observation. अगला क्वेश्चन है, a ray of light enters a rectangular glass slab of refractive index 1.5. It is found that the ray emerges from the opposite face of the slab without being displaced. If its speed in air is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, तो ये 10 raised to the power 8 है, ध्यान रखिएगा, then what is the speed in glass? और अगला क्वेश्चन है, the speed of light in a transparent medium is 0.6 times that of its speed in vacuum. What is the refractive index of the medium? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले। हम अगली सीरीज में आगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स ये सब क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आप इनके सॉल्यूशंस लिख के हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है physicsbyra@gmail.com। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप हमारे नंबर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी मेहनत अच्छे से कीजिए, कोई भी डाउट है उसको पूछिए। आप अपने जो भी व्यूज़ हैं उनको कमेंट कर सकते हैं, और आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स से भी इन सब वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो और सबका डेवलपमेंट हो। थैंक यू।